डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, कैसे हम उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो प्लीज पहले वो चेक करके आओ ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल से कहानी। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैं फटाफट से यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो 00011011, ठीक है, ये हमारे पास चार यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं। 00 पे हमें पता है क्या देता है, वो होल्ड, मतलब जो प्रेजेंट में आउटपुट ऑलरेडी है वही नेक्स्ट स्टेट में एज इट इज आएगी। 01 पे क्या देता है 0, 10 पे क्या देता है 1, और 11 पे क्या देता है वो इनवैलिड। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसी को ही हमें फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और क्या बनाना है, करेक्टरिस्टिक टेबल। अब देखो, ट्रुथ टेबल में क्या था, सिर्फ हम लोग दो इनपुट लेते हैं, एस और आर, मतलब एस एक इनपुट हो गई, एक आर इनपुट हो गई, और उसके दम पे हम बताते हैं कि नेक्स्ट आउटपुट मेरी क्या आएगी। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक टेबल होता है ना, उसमें हमारे पास इनपुट में होती है तीन चीजें, एक तो एस और आर हो गया, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, क्यू एन, मतलब प्रेजेंट में अभी क्या वैल्यू आउटपुट में है, और उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी। तो आपको आई होप कि डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ट्रुथ टेबल में हमारे पास दो इनपुट है, उन्हीं के बेसिस पे हम आउटपुट पता लगा रहे हैं। यहां पे हम लोगों के पास कितने इनपुट्स हैं, तीन इनपुट्स हैं, ठीक है ना। तो उन तीन इनपुट्स को लेके हम लोग आउटपुट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली तीन इनपुट है तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 2^3, दैट इज 8, तो वो मैंने यहां पे लिख दी है 000 से लेके 111 तक। ठीक है, तो ये कहानी आपको बेसिक सी पता ही है। अब देखो जी, अब अगर हम बात करें सबसे पहले 000, ये यहां पे कहानी स्टार्ट करें, तो देखो एस और आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 00 है, तो क्या हो रहा है उस केस में, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है कि अगर मेरी एस और आर की वैल्यू 00 है तो जो वैल्यू अभी मेरे आउटपुट में है वही एज इट इज आएगी, मतलब वही एज इट इज होल्ड रहेगी। होल्ड का मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, जो अभी आउटपुट थी नेक्स्ट स्टेट में भी वही आउटपुट आएगी, मतलब 0 का 0 ही रहेगा। ऐसे ही ऑब्वियसली 00 में अभी क्या है, 1 आउटपुट थी, तो नेक्स्ट में भी आपकी 1 आउटपुट, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, आप इसको एक तरह से कह सकते हो नो चेंज। ठीक है, तो वो आपका इस तरीके से बन गया। देन 01 की अगर हम बात करें, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, तो उस केस में हमारे पास QN की वैल्यू कुछ मर्जी हो, 01 के केस में आपकी आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। तो 01 के केस में आपकी आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। तो ये भी 01 वाला केस ही है, तो आउटपुट 0 आती है। अब आप कहोगे सर इन दोनों का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं, हमें सिंपल सा पता है कि S की वैल्यू जो भी होगी वही हमारी यहां पे आती है, इसको बोलते हैं रीसेट। क्या बोलते हैं इसको, रीसेट ही तो बोलते थे, तो यहां पे ये रीसेट बन गई, ये क्या बन गया, होल्ड बन गया। ठीक है, अब देखो जी 10 वाला केस, मतलब जब S की वैल्यू 1 होती है तो वो क्या आता है, वही एज इट इज आपकी आउटपुट आती है। तो यहां पे अगर S की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में भी 1, S की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में भी 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट। क्या बोलते हैं, सेट। अब इसमें भी इसका कोई यूज नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, जहां पे यूज होगा वहां पे यूज करेंगे। तो इन दोनों में यूज है तो हमने यूज कर लिया, क्योंकि होल्ड है, तब होल्ड का मतलब क्या है, नो चेंज, जो पहले है वही रहेगा। तो पहले क्या है वो तो मेरे को यही बताएंगे ना, तो यानी इन दो केसेस में इसका यूज है, बाकियों में अभी तक कोई यूज नहीं आया। ठीक है, तो अगर लास्ट में अगर हम बात करें 11 पे हमें पता है इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब क्या है कि 11 अगर एस आर पे 11 आ रहा है तो आपकी आउटपुट अभी जो मर्जी हो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो कहता है कि मैं इनवैलिड, इनवैलिड मतलब हमें पता ही नहीं है कि 0 आ रही है, 1 आ रही है, क्या आ रही है। तो एक तरह से आप डोंट केयर यहां पे लिखते हो, इनवैलिड इस तरीके से मेंशन किया जाता है करेक्टरिस्टिक टेबल में। ठीक है, तो ये यहां पे आपका इस तरीके से करेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो बन गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहां पे देखना पड़ता है कि मेरी आउटपुट में कहां कहां पे वन आ रहा है, वही के मैप की हेल्प से बनाएंगे, वही एसओपी फॉर्म बनाएंगे। तो एसओपी फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, फटाफट से पहले तो के मैप जो है वो डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो के मैप जो है वो फटाफट से डिजाइन कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास इनपुट्स आपके पास देखो कितनी है, 3, एस आर क्यू एन। ठीक है, तो क्यू एन प्लस 1 की तो निकाल लिया,
तो यहाँ पे मेरे पास तीन इनपुट्स हैं, तो तीन इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो तीन वेरिएबल वाला की मैप यहाँ पे S आ गया, यहाँ पे R Q N आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं S बार, इसको लिख देते हैं S, ठीक है। इसको लिख दिया S बार और इसको क्या लिख दिया हमने S, यहाँ पे R बार Q बार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे R बार Q, क्यू एन भी लिख सकते हो। यहां पे अगर हम बात करें क्या लिखेंगे आर क्यू, यहां पे क्या लिखेंगे क्यू बार, ठीक है। क्यू के साथ आप एन लगाना, ऑब्वियसली एन लगा लो ताकि आपको पता लग जाए कि ये प्रेजेंट वाली आपकी आउटपुट है, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहां पे ध्यान से देखो कि हम लोग कहां कहां पे, ये देखो ये मेरी वैल्यू क्या होती है जीरो, ये क्या होता है वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं वन कहां कहां पे आ रहा है और डोंट केयर कहां पे आ रहा है। तो देखो वन कहां कहां पे आ रहा है, एक तो यहां पे आ रहा है, ये अगर हम जीरो जीरो वन, ये आपका डेसिमल में क्या होता है, ये होता है आपका वन, ठीक है। उसके अलावा वन कहां पे आ रहा है, वन जीरो जीरो मतलब फोर पे आ रहा है, एक कहां पे आ रहा है वन जीरो वन मतलब फाइव पे आ रहा है, डोंट केयर सिक्स और सेवन पे आ रहे हैं। तो जहां जहां पे आपका वन और डोंट केयर आ रहा है वो लिख दो। तो देखो वन पे आ रहा है, ठीक है, यहां पे लिख दिया। उसके बाद फोर फाइव सिक्स सेवन, फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है जी, ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से के मैप जो है वो डिजाइन कर लिया। तो फटाफट से हम इसको क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि आप अगर पहले इसको इस इक्वेशन को बनाओगे फिर चारों को एसओपी में लिखने के बाद मिनिमाइज करोगे तो हम डायरेक्ट के मैप में डाल के मिनिमाइज करके ही इसकी आउटपुट जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, यहाँ पे हम इसको जो है वो ग्रुप्स, तो ग्रुप्स बनाने के लिए क्या करना है, ग्रुप्स बनाने के लिए हमें ये देखो जी, ये तो एक बन गया क्वाड, क्या बन गया क्वाड बन गया, और एक यहां पे पेयर बन गया। तो पहले क्वाड की अगर हम वैल्यू लिखे तो क्या चीज कांस्टेंट है, एस यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि बाकी तो वैल्यूज चेंज हो रही है, तो एस कांस्टेंट है तो उसको लिख लिया। प्लस ये आपका बन गया पेयर, नीचे तो क्वाड बना था तो मैक्सिमम वाला क्वाड बनाएंगे, उसके बाद यहां पे पेयर बन रहा है और पेयर की वैल्यू यहां पे देखो क्या आ रही है R बार क्यू एन। लो जी आपकी इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी तैयार है, क्यू एन प्लस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन SR फ्लिप फ्लॉप की क्या आई, S प्लस R बार क्यू एन, ठीक है जी। तो ये याद रखना, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे आ जाता है आपका एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल जो है वो हम लोग किस तरीके, किसके बेसिस पे बनाते हैं, एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास जो है ध्यान से देखो यहां पे एक्साइटेशन टेबल में इनपुट में क्या है क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, और आउटपुट में क्या है SR। एक्चुअल में एक्साइटेशन टेबल क्या होता है कि आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आउटपुट है, एक तो प्रेजेंट है और एक अभी नेक्स्ट स्टेट में जो आई है, तो प्रेजेंट और नेक्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी इनपुट क्या होगी वो होता है एक्साइटेशन टेबल। और इन दोनों का हम लोग यूज कहां पे करते हैं, जब एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है या किसी पर्टिकुलर लॉजिक को डिजाइन करना है तो एक्साइटेशन टेबल का भी यूज होता है और इसका भी यूज होता है। तो फटाफट से आप इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। तो देखो यहां पे इनपुट में मेरे पास क्या है जीरो जीरो, देखो qn qn प्लस वन की वैल्यू क्या है जीरो जीरो। तो ध्यान से देखो यहां पे qn और qn प्लस वन एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए करैक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत पड़ती है। तो करैक्टरिस्टिक टेबल में देखो जीरो जीरो कहां आ रहा है, एक तो ये आ रहा है जीरो जीरो, दूसरा जीरो जीरो कहां पे आ रहा है, दूसरा जीरो जीरो आपका क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू, लो जी ये दो जगह पे जीरो जीरो आ रहा है। बड़ा ध्यान से देखो मेरा इनपुट क्या है जीरो जीरो, मुझे इसको निकालने के लिए करैक्टरिस्टिक टेबल में देखना पड़ेगा कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जीरो जीरो कहां आ रही है। तो क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की क्या वैल्यू जीरो जीरो, एक तो यहां आ रही है यहां आ रही है, उसके अलावा कहीं पे भी जीरो जीरो नहीं आ रही। अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, ध्यान से देखो इन दोनों में, इन दोनों में एस और आर की वैल्यू, इन दोनों में एस और आर की वैल्यू देखो ध्यान से, आपकी एस की वैल्यू देखो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है जीरो सेम है, तो इसको हमने जीरो लिख दिया। आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू ध्यान से देखना, आर की वैल्यू ऊपर जीरो नीचे वन, ऊपर जीरो नीचे वन, एस की वैल्यू तो दोनों जगह बराबर थी जीरो जीरो ये, लेकिन आर की वैल्यू जीरो और वन मतलब चेंज हो रही है, कभी जीरो आ रही है कभी वन आ रही है, मतलब एक तरह से हम लोग पता ही नहीं लगा रहे कि स्टेबल वैल्यू क्या है। तो क्या लिख देंगे डोंट केयर, एक्स यहां पे मेंशन कर देंगे, बस यही इसका बेसिक सा लॉजिक है। देन जीरो वन, अब देखो जीरो वन की अगर हम बात करें क्यू एन की वैल्यू जीरो और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू वन, तो देखो जीरो वन कहां पे आ रहा है, इसमें देखो जीरो वन, सिर्फ इन दोनों को देखो जीरो वन कहां पे आ रहा है, जीरो वन आपका ये देखो जी ये आ रहा, ये आ रहा, तो इसके और कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस और आर की वैल्यू देखो क्या आ रही है वन जीरो, तो बस एज इट इज चिपका दो वन जीरो। लो जी नेक्स्ट अगर हम बात करें वन जीरो के केस में, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे
10 के केस में, तो देखो 10 कहां पे आ रही है, सिर्फ इसको देखो 10 कहां पे आ रही है, लो जी एक इसी जगह पे आ रही है 10, तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग एस और आर की वैल्यू देखो क्या आई है 01, तो 01 एज इट इज 01 चिपका दो, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट हमारे पास जो है वो क्या आ गया, लास्ट में हमारे पास आ गया 11, तो 11 ध्यान से देखो कहां कहां आ रहा है, एक तो 11 आ रहा है यहां पे, ध्यान से देखना ग्रीन से दिखा रहा हूं, एक तो 11 यहां पे आ रहा है और 11 यहां पे आ रहा है, ठीक है जी, एक 11 यहां पे, एक 11 यहां पे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एस की वैल्यू देखो, एस की वैल्यू एक यहां पे और एक यहां पे देखो, एस की वैल्यू इधर 0 इधर 1 चेंज हो रही है, इधर 0 इधर 1 चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही भैया एक ही इनपुट है 11, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी हमें नहीं पता क्या स्टेबल वैल्यू है, तो एक्स लगा दिया। लेकिन आर की वैल्यू देखो, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे 0। लो जी आपका एक्साइटेशन टेबल भी रेडी है, तो इसको इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे यहां पे 0x है तो लास्ट वाले में आपका क्या बन गया, उल्टा मिरर इमेज बन गया, 0x का उल्टा क्या बन गया, x0 बन गया, यहां पे 10 है तो उसका उल्टा क्या बन गया, 01 बन गया। चाहे ऐसे याद रख लो या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसको, कि आपका एक तरफ क्या है, देखो इस तरीके से याद कर लो, आप यहां पे खड़े हो, एक तरफ इधर है ये r और ये s, इस तरफ क्या है x, यहां पे क्या है x x, और ये क्या है 010 010। ये थोड़े से तरीके हैं याद रखने के, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं ना, या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, तो एकदम से हमें इसका टेबल जो है वो याद नहीं आता। और देखो अगर आप ध्यान से, हमने काफी चीजें जो है वो डिजाइन की हैं, सबसे पहले हमने एस आर लैच को बनाया था, फिर हमने क्या किया था एस आर फ्लिप फ्लॉप को बनाया था, फिर हमने उसका ट्रुथ टेबल बनाया था, फिर हमने करेक्टरिस्टिक टेबल बनाया, फिर हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया। तो भैया इतने सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रख, मतलब अगर आपको ये स्टेप नहीं याद, वैसे तो आप डिजाइन भी कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करोगे सारे तक पहुंच जाओगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ती है। लेकिन आपको इन केस नहीं याद आ रहा तो आप इस तरीके से डिजाइन भी कर सकते हो। तो याद रखना ये सारी वीडियो को कॉन्टिन्यूटी में देखना, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाए। थैंक यू।